आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। कमलेश तिवारी की हत्या को दर्दनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने हमारी सरकार को खुली चुनौती दी है, लिहाजा इसकी व्यवस्था उनकी सरकार करेगी। कमलेश तिवारी के परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक घटना है और गंभीर घटना है। यह केवल कमलेश तिवारी जी की हत्या नहीं है, एक तरह से हमारी सरकार को एक तरह से इन आतंकवादियों ने और शैतानों ने चुनौती दिया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी व्यवस्था तो कुछ महाराज जी करेंगे। इसमें कोई जोड़ा नहीं। और अगर कमलेश तिवारी जी को भी जरूर इस पर परिवार को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार और पूज्य महाराज जी की सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से लेगी। हम लोगों की सरकार हमारी बहुत गंभीरता से लेगी और इनको सबक सिखा देगी। कमलेश तिवारी हत्याकांड के संदिग्ध हथियारों को शाहजहांपुर में देखे जाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद एसटीएफ ने होटलों, मदरसों और मुसाफिर खानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध कैद हुए हैं। फिलहाल एसटीएफ शाहजहांपुर में डेरा जमाए हुए है। बांदा मंडल कारागार की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। मुलाकात करने गए एक शख्स के पास से जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली के सिंधवारा गांव का रहने वाला राम सिंह जेल के अंदर बंद रिश्तेदारों से मिलने गया था। इस बीच एक बंदी रक्षक ने उसको कारतूस के साथ पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। द्वितीय पाली की जो मुलाकात थी उसमें राम कुमार सिंह नाम का एक बाहर से मुलाकाती आया था। उसके सालू का दो लड़का और एक उसकी साली लगती है, ये हमारे यहाँ आजीवन कारावास में बंद है। उससे मिलने के लिए वो आया था। उसके पास एक जैकेट था, जैकेट में एक 12 बोर का कारतूस मिला, जो हमारा सेकंड गेट पर सिपाही तलाशी में नियुक्त था अवनीश कुमार पांडे, उसके द्वारा निकाला गया। और तत्काल मैंने कोतवाली को सूचना दिया और मेरे द्वारा तहरीर लिख के कोतवाल को दिया गया और उसको अरेस्ट करके यहाँ से कोतवाली को सुपुर्द कर दिया। गेट के अंदर मतलब ये होता है कि हमारे मेन गेट के बाद सेकंड गेट होता है, सेकंड के बाद थर्ड गेट होता है और उसके बाद ही कहीं जा सकता है। जहाँ चेकिंग पॉइंट है हमारा, वो हमारा चेकिंग पॉइंट सेकंड गेट फर्स्ट गेट के बीच में उसकी तलाशी लेके और निषिद्ध वस्तु वहीं बरामद की जाती है। मुझे इसको छुपाना ही रहता तो मैं कोतवाली में को सूचित क्यों करता, चूंकि नियम विरुद्ध था इसलिए मैंने कोतवाली को सूचित किया और तहरीर मैंने खुद तहरीर लिख के दिया है। महोबा जनपद में रहने वाला एक परिवार अपने 2 वर्षीय मासूम का इलाज कराने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। इलाज के चलते परिवार सर से पांव तक कर्ज में डूब चुका है, लेकिन अब भी मदद की दरकार है। सरकारी हुक्मरानों से लेकर क्षेत्रीय सांसद तक की चौखट पर मदद के लिए झोली फैलाई, बावजूद इसके हिमांशु के परिजनों को कोई मदद नहीं मिल सकी। मुफलिसी के मारे माँ बाप अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए अपना घर और मकान तक बेचने को मजबूर है। प्राइवेट अस्पताल में जहाँ से निकलो। और इसकी पट्टी हट्टी जो रोज बदलनी होती है वो कौन बदलता? वो हम बदलते हैं रात न दिन। अच्छा, उसके लिए क्या पैसे की क्या रहती है, आपके पास पैसे की क्या व्यवस्था है कि इलाज के लिए लगातार पैसा की व्यवस्था हो जाती है क्या? नहीं, कर्ज उठाते हैं। कर्ज लेती हैं आप? हाँ। तो कितना कर्ज अब तक ले चुकी हैं आप? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए कर्ज चढ़ चुका है आपसे, और उसके बाद भी अभी कितना और रुपए लगेगा इसका अंदाजा है कुछ आपको? इसका कोई पता नहीं अभी। तो दो ऑपरेशन और होने। तो जब सरकारी मदद में, जब सरकारी सहायता मांगने के लिए आप कभी गई हैं किसी अधिकारी के पास? हाँ, सब जगह देख लिया। हाँ, मदद नहीं मिल रही। तो उनसे आपने पूरी बात नहीं बताई कि साहब इस तरीके से हम इन परिस्थितियों में, हमारे बच्चे की ये हालत है और इसमें कुछ मदद करी? कोई नहीं सुन रहा है। डीएम साहब के यहाँ गई? हाँ, गए थे। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया था आपको? कह रहे थे आप इलाज कराइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पेट फूल गया था एकदम से इसका। हाँ। तो महोबा दिखाया, महोबा से जब मना कर दिया तो छतरपुर ले गए, छतरपुर में फिर मना कर दिया तो फिर ले गए झांसी। झांसी में भर्ती किया तो करीबन 2 लाख रुपए की लमसम लगा, 7-8 दिन भर्ती रहा। फिर इसके बाद उन्होंने छुट्टी कर दी। फिर इसके बाद 7-8 दिन बाद फिर पेट फूलने लगा, उल्टी करने लगा, फिर झांसी ले गए, फिर 2-3 लाख रुपए फिर लगा उसमें। करते क्या है मजदूरी?
तो इतना पैसा जो लग रहा है उसके बाद कोई सरकारी सहायता मिली आपने? सरकारी सहायता सबसे कहा लेकिन कहीं कुछ नहीं, सरकारी सहायता कोई नहीं मिली है अभी तक, नहीं मिली है। नहीं। कितने दिन हो गए इस तकलीफ को झेलते झेलते आपको? 2 साल हो गए। 2 साल से लगातार आप ऐसे ही बराबर। महोबा जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों ने अतिक्रमण अभियान चलाया। शहर के मुख्य मार्गों पर चलाए गए अभियान के दौरान खासी सख्त रवैया अपनाती दिखाई दी। शहर कोतवाल विपिन कुमार अभियान की अगुवाई करते दिखे। पुलिस और प्रशासन की तरफ से आगे भी अतिक्रमण अभियान जारी रखने की बात कही जा रही है। शहर में अतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया था, इस संबंध में नगर पालिका और सभी अधिकारियों को सूचित किया गया था। उसी के क्रम में आज नगर पालिका की टीम द्वारा, कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा शहर में तहसील चौराहे से लेके PWD तक आज अतिक्रमण हटाया जाएगा। कल परमानंद से लेके झलकारी बाई तक, परसों परमानंद से लेके सुभाष चौक तक ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, जिससे कि हमारी सड़कें और नालियां सब स्वच्छ हो सके और सही तरीके से कार्रवाई की जाए। सोनभद्र में अज्ञात कारणों के चलते मारकुंडी घाटी में ट्रक पलटने से ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खलासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। पूरा मामला चोपन थाना क्षेत्र की गुरमा चौकी के नजदीक का है। आपको बता दें कि मारकुंडी घाटी में ट्रक पलटने का ये पहला मामला नहीं, बल्कि इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही है। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र स्थित एक पेपर्स फैक्ट्री में 5 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना फैक्ट्री कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक को दी। जानकारी मिलने के बाद फैक्ट्री मालिक ने वाइल्ड लाइफ को फोन करके बताया। मौके पर पहुंची टीम ने करीब 1 घंटा रेस्क्यू चलाकर अजगर को काबू में किया। मोगा के सरदार नगर में बंद पड़े मकान के अंदर एक नौजवान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मकान बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी का बताया जा रहा है, जो अब लुधियाना में रहते हैं। पड़ताल के बाद पता चला कि मृतक रिटायर्ड कर्मचारी का ही बेटा है और कई दिन से लापता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के कारण स्पष्ट हो सके। हुगली जिले के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र स्थित बड़तल्ला मोड़ इलाके में कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि हुगली सांसद लॉकेट चटर्जी को नगर में प्रस्तावित गांधी संकल्प यात्रा में शामिल होने वाली थी। एन वक्त पर कांग्रेस का धरना चल रहा था। सांसद का काफिला बड़तल्ला मोड़ से गुजरा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोककर खूब हंगामा खटा। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।